नमस्कार, मैं श्याम सिंह, आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनके मूल हमें ज्ञात करना है फैक्टर विधि, गुणनखंड विधि से। जो फैक्टर मेथड है हमें यूज करना है आज, देखते हैं। चाहे एक्सरसाइज हमारी है 4.2, इसमें देखो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है x²-3x-10x=0। अब क्या करेंगे, 10 - 10 है, गुणा करने पर लास्ट वाला जो टर्म होता है वो गुणा करने पर आया, और जोड़ने या घटाने पर कितना है -3x। ऐसी कोई संख्या सोचना, देखो सोचते हैं x²-5x+2x। देखो 5 × 10 गुणा करने पर कितना जाएगा 10, और 5x में से प्लस के 2x घटा देंगे कितने बचेंगे -3x, -10=0 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां भी x है, यहां भी x है, x मिल जाएगा। यहां पर x² था, एक x चला गया, x माइनस कितना बचेगा 5, यहां पर प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, ले लो x-2 बचे 10=0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x-5, और यहां क्या हमारा बचा है x+2=0। अब क्या करेंगे, जब एक बार क्या करेंगे x-5=0 ले लेंगे, तो x= कितना आ जाएगा, ये माइनस का 5 है तो इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। जब क्या करेंगे हम x-2=0 ले लेंगे, तो x² कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 है 2 है उधर जाएगा इसका हो जाएगा प्लस का 2। हमारी x की दो वैल्यू आई हैं, वो एक वैल्यू है 5, दूसरी क्या है 2, वो भी माइनस का है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का 5 था उधर गया किसका हो गया प्लस का हो गया, ये प्लस के 2 थे उधर आया किसके हो गए माइनस के हो गए। या तो एक शॉर्ट इसकी ट्रिक है, उसे भी हम यूज कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है वो भी देख लो, यदि बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ जाए एक नंबर के लिए ऐसा। तो क्या करेंगे, देखो गुणा करने पर कितना है 10 है, गुणा करने पर कितना है 10 है, और जोड़ने घटाने पर कितना है माइनस का 3 है। देखो ऐसी कोई संख्या, देखो 5 × 10 माइनस का 5 कर लो, 5 × 10 माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस 5 में से प्लस के 2 घटा दो कितना बचेगा माइनस के 3। ये -5 और 2 किसके मान है, x के मान है। क्या करेंगे, जब x-5, अब एक बार क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे x+2। देखो x-5, अब ये क्या है x, इसको हम एक बार 0 के बराबर कर देंगे, x-5 = 0 करेंगे तो x = ये माइनस का 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और ये x+2 = 0 करेंगे तब x = क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का। यही देखो वैल्यू हमारी आई हुई है यहाँ पर, सेम टू सेम क्या है, सिमिलर वैल्यूज है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हुई। आप देखते हैं 2x² + 6x-6=0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2×6=12 लाए पहले वाले जो टर्म है, लास्ट वाला टर्म है, इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आता है 12 आएगा। ix, ऐसी कोई संख्या सोचो जो गुणा करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। क्या करेंगे, 2x² + 3x और 4x ले लेते हैं, 4x - 3x = 0। अब क्या करेंगे, 4x में से 3x जाएगा प्लस का 1x बचेगा, -6 है ये 6 आ जाएगा। देखो 4 × 3 = 12 गुणा करने पर कितना आ जाएगा 12, और 4x में से 3x गया 1x बचेगा। इन दो में कम क्या है हमारा 2, और क्या मिल जाएगा x, अंदर क्या बचेगा x+2 माइनस, इन दोनों में कम क्या है 3, यहाँ क्या बचेगा x+2=0। जब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देख लो, x+2 कॉमन है, और क्या बचेगा हमारा 2x - 3 = क्या बचेगा 0। जब क्या करेंगे, x+2 = 0 ले लेंगे, तो x = प्लस का 2 हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब क्या करेंगे, 2x - 3 = 0, तो 2x - 3 हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, x = 3/2 आ जाएगा 2। x की हमारी दो वैल्यू रिसीव हुई है हमारे यहाँ पर, -2 एक है 3/2, ये दो रिसीव हुई। ऐसे सिमिलर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, रूट से हमें घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो √2 और √2 कितना होता है, √2 और √2 कितना होता है 2 होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब √2 और √ अंदर लिखा हो पैर के, उसका पैर बन जाता है, उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 आ जाएगा 2। अब क्या करें, गुणा करने पर कितना 2 आ गया, और साथ में ये 5, 2 और 5 की क्या करो 2 गुणा 2 × 5 = 10, गुणा करने पर 10 आया, जोड़ने घटाने पर कितना है 7x। ऐसी कोई संख्या सोचो √2x² + क्या करेंगे 5x + 2x + 5√2 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2, और एक x² था, एक x बच गया प्लस 5। अब प्लस इन दोनों में कॉमन देखो,
दो एक्स को हम दो को लिख सकते हैं रूट टू गुणे रूट टू, तो यहां पर भी रूट टू है तो रूट टू कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, रूट टू दो बार लिखा था, एक रूट टू हमने निकाल लिया, एक अंदर बचा रूट टू एक्स प्लस पांच बराबर जीरो। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, यहां पर भी क्या है रूट टू एक्स प्लस पांच, अंदर क्या बचा है एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, जब रूट टू एक्स प्लस पांच बराबर जीरो ले लेंगे एक बार, तो आ जाएगा रूट टू एक्स बराबर प्लस का पांच, अंदर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस पांच, दो रूट टू गुड़े में है आ जाएंगे बट्टे में, एक्स का मान हुआ। दूसरा क्या करेंगे, जब एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो, तब क्या करेंगे एक्स बराबर प्लस का रूट टू है तो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, एक्स की दो मैंने वैल्यू हमारी रिसीव हुई है माइनस पांच बटे रूट टू एक माइनस रूट टू। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बटे में मल्टी है, बटे में कोई संख्या आ जाती है आठ, तो उससे द्विघात समीकरण को आठ से हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। देखो इस समीकरण को दो से आठ से गुणा करो कितना हो जाएगा, आठ दुनी सोलह हो जाएगा, आठ गुणे दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणे आठ प्लस एक बटे आठ गुणे आठ बराबर जीरो। आठ से आठ क्या हो जाएगा कट जाएगा, आठ दुनी सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स कम आठ एक्स आ जाएगा प्लस वन बराबर जीरो। ऐसी कोई संख्या में सोचना है जो गुणा करने पर कितना आ जाए, सोलह एक सोलह आ जाए, जोड़ने घटाने में कितना है आठ एक्स, क्या करेंगे सोलह एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस चार एक्स, चार चक्कू सोलह हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुणा करने पर सोलह हो जाएंगे और माइनस के चार एक्स कितने हो जाएंगे माइनस के आठ एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। इन दोनों में कॉमन देखो कितना है, यहाँ पर चार मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा चार चक्कू सोलह एक्स माइनस ये चार एक्स पूरा कॉमन चला गया वन बचेगा, माइनस क्या करेंगे अंदर कुछ नहीं कॉमन है तो वन कॉमन, ये कॉमन कुछ नहीं मिलता तो वन कॉमन मिलेगा चार एक्स और माइनस वन इक्वल जीरो। इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है हमारा, इन दोनों के में कॉमन है चार एक्स माइनस वन, अंदर क्या बचा चार एक्स माइनस वन बराबर जीरो। एक बार क्या करेंगे, जब चार एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक बार इसको बराबर के जीरो ले लेंगे और एक बार इसको बराबर के जीरो ले लेंगे, तो चार एक्स बराबर ये माइनस का वन ही उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो एक्स बराबर वन ये चार गुड़े में कहाँ जाएंगे बट्टे में, एक एक्स बराबर मान एक बट्टे चार। दूसरा क्या सिमिलर आएगा मान बराबर चार एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस वन बराबर वन, इस चार गुड़े में कहाँ जाएंगे बट्टे में, एक्स के दो हमें मान रिसीव हुए हैं एक बट्टे चार और एक बट्टे चार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सौ इक्कन सौ गुणा करने पर कितना है, सौ है जुड़ने घटाने पर कितना है बीस एक्स, क्या करेंगे सौ एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। दस दशांक कितने हो जाएंगे सौ, गुणा करने पर सौ हो जाएंगे, दस एक्स माइनस के दस एक्स कितने हो जाएंगे बीस एक्स। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, दस कॉमन मिल जाएगा और एक मिल जाएगा, क्या करेंगे दशांक सौ एक्स माइनस पूरा दस एक्स कॉमन चलेगा वन बचेगा, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है कुछ नहीं तो वन मिलेगा, दस एक्स माइनस वन इक्वल जीरो। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, दस एक्स माइनस वन अंदर क्या बचा दस एक्स माइनस वन। अब क्या करेंगे, एक दोनों को बराबर के जीरो के हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं, जब दस एक्स माइनस वन इक्वल जीरो हो जाएगा तो दस एक्स बराबर माइनस का वन हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक्स बराबर एक दस गुड़े में कहाँ जाएंगे बट्टे में, एक एक्स का मान आया एक बटे दस। दूसरा क्या होगा, दस एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, आप क्या करेंगे दस एक्स बराबर ये माइनस का एक उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा एक बटे कितना आ जाएगा दस आ जाएगा। ये हमारी एक्स की दो ऋषि हैं वैल्यू ही हैं, एक्स बराबर एक बटे दस एक दस बराबर एक बटे दस, देखो सिमिलर दो वैल्यू निकली हैं। ऐसे हम क्वेश्चन को आगे तक सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं।